सलमकुम वेलकम टू इशफा बुदीक सो व्यूबर सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक की लेंथ ले लेनी है हमने डबल फोल्ड करके अपने फैब्रिक को बिछा लिया है और इसकी टोटल मैंने लेंथ रखी है फिफ्टी फोर जो स्टिच होके फिफ्टी थ्री आ जाएगी अब हमने अपनी लेंथ कट करके अलग कर लेनी है एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर देना है अब मैंने इसको एक और डबल फोल्ड किया हमारा फेब्रिक का जितना भी जो चौड़ाई है वो हमने सारी रख लेनी है इसमें और हमने स्लीव्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको डेढ़ इंच डाउन करना है सारी मार्किंग्स और निशान मैंने लगा के रखे हुए हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने लगाना है ऊपर वाले पार्ट से हमारे स्लीव्स और नेक बनेगा और ये नीचे वाले पार्ट में हमारे जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने गोलाई दे देनी है और सारी अपनी ग्राफ्टिंग को कटिंग कर लेना है स्लीव्स हम बस हल्का सा ही डाउन करेंगे इसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं है बहुत इजी इसकी कटिंग है और स्टिचिंग भी इसकी बहुत इजी है अब हमने आ जाना है अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने ले लिया है और इसके साथ ही मैंने ये राउंड नेक कटिंग किया है जिसको भी स्टिचिंग आती है उसके लिए नेक कटिंग करना कोई मुश्किल की बात नहीं है इसको हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से फ्यूजिंग चिपका लेंगे अपनी स्त्री की मदद से हम इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे पेस्ट करने के बाद हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करके इसके सेंटर का निशान बना लेंगे और अपने जो मेन फैब्रिक है फ्रंट फैब्रिक फ्रंट पार्ट है उसका भी हमने सेंटर बना लेना है और अपनी अपने नेक जो हमने रेडी किया है उसकी ये साइड्स को हम फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देंगे फिर इसको हम अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर सेंटर में अच्छी तरह असेंबल कर लेंगे कॉमन पिंस की मदद से हम इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इसको फिर हम अपना गला बना लेंगे फैब्रिक को हमें थोड़ा संभालना पड़ेगा क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक है तो ये भागने वाला कपड़ा है इसको हाथों से हमने संभालते भी जाना है साथ साथ नेक की हमारी सिलाई लग चुकी है अब हमने इसके एक्स्ट्रा पार्ट को प्रिम कर लेना है और प्रेस करके इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है अब हमने क्या करना है अब आ है जाती है हमारे बैक की फैब्रिक को लेना है और इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट को लेना है और स्लीव्स की तरफ से शुरू करते हुए इसको दूसरी स्लीव्स तक एंड करके इसको ज्वाइन कर लेना है लेकिन उससे पहले हमने जो फ्रंट गला बनाया है उस पर तकरीबन एक सवा एक इंच की दूरी देते हुए हमने स्टिच कर लेना है और इसकी किनारियों को भी हमने फिनिशिंग से स्टिच कर लेना है ताकि हमारे सारी सिलाइयाँ बैठी हुई हो जाएँ अभी ये चेक करें कि कितनी फिनिशिंग से हमारा नेक तैयार हो गया है अब हमने अपना फ्रंट और बैक पार्ट मिला के रखते हुए स्लीव से लेते हुए सारा ज्वाइन कर लेना है बैक गले का भी नेक मैंने सेंटर कर लिया था और इससे हमारा जो है ना फैब्रिक बिल्कुल सही रहेगा बिल्कुल ठीक इसकी मेजरमेंट्स आएंगे दूसरे स्लीव्स तक भी हमने स्टिच करके इसको फ्रंट और बैक को ज्वाइंट कर लेना है तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि इसके धागे निकलते हैं तो मैं जिग स्टिचेस से इसके सारी किनारियों को सेट कर लूंगी आप लोग इसको ओवरलॉक जरूर करवाएं वरना धागे जरूर इसके निकलने लगते हैं बहुत फिनिशिंग से हम बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आ गई है लुक भी इसकी बहुत जबरदस्त हो गई है अब मैंने क्या किया था बैक गलत थोड़ा सा अपना राउंड कटिंग कर लिया है और उसी हिसाब से मैंने अपना फ्यूजिंग भी कट कर लिया है और फैब्रिक पे, पे पेस्ट करके उसकी सारी फिनिशिंग से स्त्री की मदद मतलब से सारी सिलाइयां बिठा ली हैं और अब हम इसको अपने बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए यहाँ से पहले अपना हम बैक गला बनाएंगे उसके बाद बाकी दूसरे काम करेंगे बैक गले को सिंपली हल्का सा मैंने राउंड शेप दिया बिकॉज जो रेडीमेड आयाज होते हैं उनके बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं वो नेक पे बहुत लगते हैं तो अब हम ये खुद बना रहे हैं तो कुछ अपनी फैसिलिटी का भी काम करते हैं मैंने हल्का सा राउंड शेप इसका दिया फुटके लगा के हमने इसको सारे एक्स्ट्रा कपड़े को ट्रिम कर लेना है अब हमने क्या करना है कि स्लीव से लेते हुए हम इसके फ्रंट पार्ट की तरफ आ जाएंगे फ्रंट जो हमारा है उसके ऊपर इसके ऊपर हम सिलाइयां लगाते हुए सारा स्ट्रेट इस तरह चले जाएंगे और बैक नेक से भी हम इन सिलाइयों को गुजारते हुए दूसरी स्लीव की तरफ हम चले जाएंगे और बहुत फिनिशिंग की इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी कि बिल्कुल रेडीमेड अबाया वाली लुक आ जाएगी अब हमने अपना बैग गला जो नीचे से फोल्डिंग कर रह गया था उसको रेडी कर लेना है नीचे से हम एक्स्ट्रा कपड़े को ट्रिम कर देंगे जो बाहर निकल रहा है और इसको इस तरह से हम रखते हुए स्टिच कर लेंगे सारी हमारी नेक की फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त हमारा नेक रेडी हो जाएगा फ्रंट बैक नेक हमारा रेडी हो चुका है अब हम आ जाते हैं अपनी स्लीव्स की तरफ स्लीव्स हमने ये छोटा सा कफ लगाना है अपनी लास्टिक वाला लास्टिक मैंने अपने कफ के हिसाब से ले लिया है और जितनी हमारी लास्टिक खींचती है उस हिसाब से मैंने फैब्रिक ले लिया है अब इस तरह से हम एक कॉर्नर पे अपने फैब्रिक और अपनी जो लास्टिक है उसको सेंटर में रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे ताके ये असेंबल हो जाए इसके साथ फैब्रिक के साथ दूसरी साइड भी जहां तक हमारी एंड हो रही है जितना हमारी इलास्टिक खींचती है उसको वहां तक खींचने के बाद हम उसकी दूसरी एंड को भी स्टिच कर लेंगे एक साइड से हम अपने फैब्रिक को रखेंगे एक बूट की सिलाई देते हुए ऊपर से हम इसको स्टिच करेंगे लास्टिक को हम फुल स्ट्रेच स्ट्रेच कर लेंगे ऊपर से भी हम अपने फैब्रिक को पकड़ेंगे और नीचे से स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे इसी तरह जहां हमारी लास्टिक एंड है उससे थोड़ा एक बूट की सिलाई ऊपर देते हुए हम नीचे से भी बिल्कुल भी इसी तरह से अपनी इलास्टिक पे सिलाई लगा लेंगे तो बहुत अच्छी सी इसपे चुने बैठ जाएंगे जितना हमने अपने कफ का साइज रखना है उसके अकॉर्डिंग हमने ये स्लीव्स का सिलाई कर लेनी है अब हमने अपने जो स्लीव्स वाली साइड है सेंटर वाला जो हिस्सा था उसको सेंटर के साथ असेंबल करके उसको फिर हमने अब स्टिच करना है वाले फैब्रिक को हम खेच के स्टिच करेंगे थोड़ा सा तो अच्छी लुक आएगी बहुत दूसरी साइड से भी हम इसी तरह करेंगे और थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ देंगे जहां से हमने अपने कफ को आ, फोल्ड करना है और इसी तरह से हम इन सिलाइयों को भी स्टिचेस से सेट कर लेंगे ताकि धागे ना निकलें क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमने स्लीव्स लगाया है फिनिशिंग होनी जरूरी है अब हमने जो कपड़े की सीधी साइड है उसको हमने सीधी साइड की तरफ ही पलटते हुए पहले अपने कफ के एजिस को हमने फिनिशिंग कर लेनी है अगर आप जिग-जैग स्टिचेस नहीं लगा सकते तो सीधी सिलाई लगा लें ताकि हमने इसको इनविजिबल स्टिच करना है ताकि हमारी जो कफ में से सिलाइया ना नजर आए अब हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अपने मेजरमेंट्स करके उसको सिलाई कर देना है साइड से ये हमारी फाइनल लुक आ जाएगी अपनी कफ की अभी चेक करें आप लोग कितनी अच्छी कफ हमारी बनकर तैयार हो गई है इसी तरह से हमने अपनी दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेनी है अब हमारा फैब्रिक जो है नेक और स्लीव्स रेडी हो चुके हैं अब हमने अपने जो ये साइड वाले कॉर्नर हैं किनारियां हैं इनको सारों को फोल्ड करना है अच्छी सी सिलाई लगानी है और इन सारों को हमने सिलाई कर लेना है राउंड कपड़े पे सिलाई करना इकट्ठा डबल फोल्ड करना मुश्किल होता है तो मैं पहले एक सिंगल कपड़े को फोल्ड करती हूँ और फिर इसको दोबारा से डबल फोल्ड करती हूं बिल्कुल अपने जो कफ के बिल्कुल एजेस थे वहां तक हमने आके छोड़ देना है और वहीं से हमने दोबारा से इसको एक और दफा पलटते हुए स्टिच कर लेना है तो बहुत खूबसूरत सी हमारी किनारियां तैयार हो जाएंगी नेक हमारा रेडी है स्लीव्स हमारे रेडी हैं सारी किनारियां हमारी तैयार हो चुकी है अब आते हैं हम अबाए की खूबसूरती की तरफ तो उसके लिए मैंने ये लेस ले ली है बहुत जबरदस्त ये कुरेशिया लेस बहुत जबरदस्त इसकी फिनिशिंग फिनिशिंग से बना हुआ था बहुत ही जबरदस्त है तो ये हम अपने स्लीव्स अपनी वेस्ट के साथ अटैच करेंगे किस तरह अटैच करना है ये आप लोग चेक कर लें कि ये फैब ये लेस जो है कुछ इस तरीके की है कि हम इसको स्ट्रेट रख के नहीं सिलाई कर सकते तो हम इसको अपने स्लीव्स की जहां से हमारे शोल्डर्स शुरू हो रहा है वहां से लेकर स्लीव्स के एंड तक करेंगे और इसकी जो गोल के नारिया है, इस पे मैं सिलाइयां लगा लूंगी सिलाइयों से मैं अटैच कर लूंगी और इसी तरह से हमने अपने वेस्ट हमारी जहां हमने रखनी है उधर मैं ये तीन फूल जो है ये अटैच करूंगी और दूसरी स्लीव्स पर भी हम पांच फूल हमारे आ जाएंगे वो मैंने अटैच करने तो ये गोल जो हमारी डिजाइन था हमारा गोल इसके ऊपर तो मैंने स्टिच कर लिया सारी सिलाइयों से इसको लगा लिया है सारे फूलों पे हमने सेंटर देते हुए सेंटर का खास ख्याल रखना है कि हमारे स्लीव्स का बिल्कुल सेंटर आए और इसको हमने अटैच करते जाना है सारे स्लीव्स पर भी इसी तरह से हमने अटैच करने दोनों स्लीव्स पर और वेस्ट पर और एक इसका फूल मैंने बैक साइड पर भी अटैच किया था दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह से तैयार कर लेनी है वेस्ट अपनी रेडी कर लेनी है और उसके बाद हमने करना है सुई धागा लेना है और सुई धागे से क्योंकि ये लेस कुछ इस तरीके की है कि उठी उठी थी, थी तो फिर मैंने साइड से इसको सुई धागे की मदद से सेट किया सुई धागे की मदद से हमने सारी इसको अटैच कर लिया है सेंटर में भी बीच बीच में टाके मैंने लगा लिए थे ताकि फूल हमारा अच्छी तरह सेट हो जाए अब हमने क्या करना है अपनी जो फिटिंग हमने देनी है लूज या फिट जैसी भी आपने रखनी है एक बालिश के तकरीबन आप ये फिटिंग रख लेंगे और दोनों साइड से हम फिटिंग दे देंगे अबाया हमारा बिल्कुल रेडी है बहुत खूबसूरत जबरदस्त लुक है इस अबाया की सो so, व्यूवर्स आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज